हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैसा तो बनेगा। जो ऑप्शन की जो ट्रेनिंग चल रही है उसमें हम आ गए हैं एपिसोड नंबर 19 में, राइट। अब एपिसोड नंबर 19 में मैं बात बता दूं कि अभी तक हमने जितने एपिसोड बनाए तो उसका टोटल व्यूइंग क्रॉस हो गया है 2 लाख। मतलब 2 लाख लोग ये सीरीज को देख चुके हैं, राइट। मैंने कई बार लेट एपिसोड अपलोड किए हैं क्योंकि काफी सारी चीज में मैं बिजी हो जाता हूँ। मेरा खुद का ट्रेडिंग होता है और जैसे ही डिले होता है तो मुझे काफी लोगों की तरफ से मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। और ये सीरीज जो यहाँ तक पहुंच गई एपिसोड नंबर 19, तो मुझे काफी सारे मैसेजेस आए कि सर आपकी सीरीज में से बहुत अच्छा सीखने को मिला। ये एक प्रूफ है, ये एक प्रूफ है कि ऑल्दो यूट्यूब में ऐसे ऐसे वीडियोस पड़े हैं जिनके मिलियंस व्यू क्रॉस हो चुके हैं, बट फिर भी मेरी जो सीरीज है जो स्लो चल रही है और मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, अगर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और इतनी कमेंट्स आ रही है, मींस कि काफी सारी जगह पे सिर्फ रट्टा मराया जा रहा है, शॉर्टकट दिखाया जा रहा है कि 5,000 में से करोड़ों कैसे बनेंगे, 20 रुपए का प्रीमियम 2,000 का कैसा हो जाएगा, बट लोगों को पता ही नहीं कि एक्चुअली चीजें क्या होती है। सो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप पे प्राइड प्राउड भी नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक विजन था ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ सीरियस सीरीज, ओके। और उसमें मैं थोड़ा कामयाब हुआ। ये तब पता चलता है कि जब कुछ इतने व्यूज आते हैं, प्लस व्यूज को छोड़ो, चलो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मेरी जो सीरीज देख रहे हैं उसमें से 1,000 लोग, इन टोटल 1,000 ऐसे ऑप्शन ट्रेडर है जिनको सही में फायदा हुआ और उनकी कमेंट्स आ रही है। सो आई एम वेल अबाउट दैट कि मेरा सेटिस्फेक्शन वहां पे हो गया, ओके। अब लास्ट एपिसोड में हमने इम्प्लाइड वोलाटिलिटी की बात की थी, यस इफ यू रिमेम्बर, ओके। मैंने इसका बोला था कि इसका मैं यूज बताऊंगा, काफी लोगों को इसका यूज पता नहीं है। अब मैं क्वेश्चन करूं आप लोगों को, बुरा मत मानना, जब भी हम ऑप्शन की पोजीशन लेते हैं, ठीक है, कितने लोग आईवी के बारे में सोचते हैं, कितने लोगों को पता होता है कि अरे यार मुझे इसके बारे में कुछ देखना है, कुछ सोचना है, जो मैं डिसीजन ले रहा हूं कहीं ना कहीं वो आईवी की वजह से इंपैक्ट करेगा, मैं फंस जाऊंगा, एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। देर इज अ सिग्निफिकेंट रोल आईवी का यूज जो काफी सारे ट्रेडर्स को नहीं पता हो। अब ट्विटर पे जा लो, टेलीग्राम पे जा लो, यूट्यूब के कमेंट्स देख लो, पीपल डोंट नो। और अभी मैं आपको सिखाता हूं बहुत मस्त तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से। ये मैंने यहाँ पे एक नोटपैड क्रिएट किया हुआ है, नोटपैड में 7 या 8 पॉइंट है, बस वो 7 या 8 पॉइंट अभी के लिए अपने मतलब समझ लिए ना, याद नहीं रखना है, समझ लो तो आपका काफी सारी जर्नी इजी हो जाएगी, ठीक है। बाद में हम एडवांस बातें तो बाद में करते रहेंगे, अभी के लिए ये सब सीख लो। सो नंबर वन, वोलाटिलिटी इंक्रीजेस और मार्केट फॉल्स। वोलाटिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है जब मार्केट नीचे जाता है, ठीक है। मार्केट नीचे जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ नेगेटिव इवेंट आया, नेगेटिव इवेंट आया मतलब अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। जब इंसानों के दिमाग में जब अनसर्टेनिटी होती है, लोग डरते हैं, लोग कंफ्यूज है, क्या होगा पता नहीं है, तब मार्केट नीचे जाता है। हायर अनसर्टेनिटी के हिसाब से वोलेटिलिटी बढ़ती है। अग्रीड, समझ में आ गया कि कैसे चीज काम करती है। देखो मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि जब मैं लोगों से व्हाट्सएप में बात करता हूँ ना, काफी लोगों को ये सब कंसेप्ट पता ही नहीं है, हालांकि वो लोग 1,000 वीडियो देख के आ चुके हैं, ठीक है। फिर वोलाटिलिटी डिक्रीजेस इन मार्केट राइस। मार्केट धीरे धीरे स्टेबल हुआ और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो वोलाटिलिटी है ना वो स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। समझ गए आप कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो वोलाटिलिटी डिक्रीज व्हेन द मार्केट राइज, मार्केट ऊपर गया तो वोलाटिलिटी स्टेबल होने लगेगी और नीचे जाने लगेगी। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ? मार्केट ऊपर गया या तो स्टेबल होके ऊपर जा रहा है तो अब लोगों में ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं है, अब डर नहीं है, अब कंफ्यूजन नहीं है, तो वोलाटिलिटी भी नीचे जाएगी या तो स्टेबल होना शुरू कर देगी। समझ आ रहा है आपको? सो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, मार्केट और वोलाटिलिटी का एक्चुअली इनवर्स रिलेशनशिप है, सीधा रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे, समझ गए। क्योंकि जब हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है, कंफ्यूजन होता है, तो वोलाटिलिटी बढ़ जाती है, जब कंफ्यूजन चला जाता है तो वोलाटिलिटी भी चली जाती है। समझ आ रहा है, ओके, यहां तक क्लियर है, ओके।
फॉर ऑप्शन सेलर हाई आईवी इज गुड एट द टाइम ऑफ टेकिंग अ ट्रेड. अब यहां से रियल पिक्चर चालू होता है. कोई ऑप्शन सेलर है, नॉट नेट ऑप्शन सेलर, उसके लिए हाई वोलाटिलिटी. ऐसा क्यों? उसके लिए हाई वोलाटिलिटी क्यों है? जब वो ट्रेड लेता है, समझो, जब हम ट्रेड लेने की शुरुआत करते हैं, हम सोचते हैं तो हमारी ये आइडियल कंडीशन ये है कि यार ये वोलाटिलिटी हाई होनी चाहिए. अब देखो, यही तो लोग नहीं सोचते हैं, यही तो लोग नहीं सिखाते हैं. क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि हमको जो प्रीमियम मिलेगा ना एज ए ऑप्शन सेलर, हमारे अकाउंट में प्रीमियम आएगा, वो हाईएस्ट प्रीमियम आएगा. सोचो आप, क्योंकि वोलाटिलिटी अपने पिक पे है, तो वो हमें चाहिए. हमें ऐसा प्रीमियम नहीं चाहिए कि हमारी पोजीशन लेने के बाद प्रीमियम बढ़े, तो वो तो हमारे लिए क्या फायदा. तो बहुत सिंपल चीज है यार, ठीक है. फिर फॉर ऑप्शन सेलर आफ्टर टेकिंग ट्रेड वो आईवी शुड फॉल. तो हमने देखो, वोलाटिलिटी जब हाई थी ना तो ट्रेड ले लिया, यस ऑप्शन सेलर, बट हम चाहते हैं कि हमारा ट्रेड लेने के बाद वोलाटिलिटी गिरे. क्यों ऐसा चाहते हैं? वही तो हमारे फायदे में है. वोलाटिलिटी बढ़ेगी तो प्रीमियम बढ़ेगा, ये हमारे फायदे में थोड़ी है, तो बायर के फायदे में है. इसलिए तो हम पिक, हाई पिक जब चल रही है तब पोजीशन लेने की ट्राई कर रहे हैं. अंडरस्टैंड? देखो ये काफी सारे कंसेप्ट अभी भी बेसिक में समझा रहा हूं, क्योंकि मैं अभी आईवी के एडवांस कंसेप्ट में, देखो ये सीरीज में एडवांस कंसेप्ट में चला गया ना मैं, तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग. और ऑप्शन सिंपल है, सिर्फ समझो. अभी तक का ये समझ में आ गया कि एज अ सेलर कैसे सोचना है हमको. एज अ सेलर, काफी लोगों को ये पता नहीं होता, कोई सिखा नहीं रहा है. एज अ सेलर, ऑप्शन सेलर, जब वोलेटिलिटी हाई होती है तब हमें पोजिशन लेनी चाहिए, ज्यादा प्रीमियम खाने को मिलता है, अच्छा ब्रेक इवन मिलता है स्ट्राइक प्राइस में, अच्छा स्ट्रेडल मिलता है हमको, और बाद में वोलेटिलिटी गिरे तो और मजा आता है अभी हमको तो, राइट ओके. अब उससे उल्टा, अब सोचो उससे उल्टा कि अब हम ऑप्शन बायर है, वी आर ऑप्शन बायर, तो लो वोलेटिलिटी. अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं तो प्रीफर करूंगा भाई, मैं तो लो वोलेटिलिटी पे परचेस करूं. क्यों? क्योंकि मुझे सस्ता मिलेगा ना, चीप मिलेगा. प्लस अगर लो वोलेटिलिटी पे मैंने बाय किया और अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई तो मैं फायदे में आऊंगा, वोलेटिलिटी के साथ प्रीमियम भी बढ़ने वाला है. यस, तो यही होता है ना एक्चुअली, जो ऑप्शन सेलर सोचता है उसके कंप्लीट अपोजिट ऑप्शन बायर सोचेगा, तभी तो कोई ट्रांजेक्शन बढ़ेगा. पर ये भी एक चीज है ना कि कोई प्रीमियम 200 पे चल रहा है, किसी और चीज का प्रीमियम 200 पे चल रहा है और उस पर ट्रांजेक्शन हो रहा है. अब ऑप्शन सेलर ये सोच रहा है कि ये तो सबसे हाईएस्ट प्रीमियम है, चलो सेल करो, और ऑप्शन बायर ये सोच रहा है कि ये तो सबसे चीपेस्ट प्रीमियम है. अंडरस्टैंड? यही तो खेल है कि कौन सही है कौन गलत है, राइट. और दूसरा कि ऑप्शन बायर जब पोजिशन ले लेता है तो उसके बाद वो सोचता है कि अरे यार ये नीचे वोलेटिलिटी में यहाँ पे मैंने पोजीशन ली थी तो अब तो बढ़ना चाहिए, तो ये उसका आइडियल कंडीशन है. ऑप्शन सेलर सोच रहा है ये वोलेटिलिटी का पिक था आईवी का, यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई, अब तो ये गिरना चाहिए. अंडरस्टैंड? और काफी लोग क्या करते हैं बताए, जो मैजिकल मैजिकल जादुई वीडियो आप देखते हैं ना यूट्यूब में, तो वहां पे क्या बताया जाता है कि 20 रुपए का प्रीमियम 2000 कैसे हो जाएगा, ठीक है, ये सब फालतू बातें होती है. तो कहीं पे आईवी का कंसेप्ट कि अगर आप बायर हो और आपने गलत आईवी के स्टेज में पोजीशन पिक कर ली तो क्या होगा आपके साथ? लॉस ही होगा ना आपके साथ. समझ आ रहे हैं आपको? आप बायर हो और आप हाई आईवी लेके बैठ गए हो यहाँ पे, तो क्या होगा, राइट. सो यू डोंट नो कि वेन टू टेक अ ट्रेड, वेन. अब आपको ये कंसेप्ट के बारे में पता चलेगा ना, तो आप कई बार ट्रेड नहीं लोगे, आप बैठे रहोगे कि एक काम करते हैं, निफ्टी में ट्रेड नहीं लेना है, बैंक निफ्टी में लेना है, या तो कोई स्टॉक में ले लो. क्यों? बिकॉज नाउ यू नो कि ये आईवी कैसे चलता है. और एज ए बायर और एज ए सेलर, इफ ये मेरी आईवी जो अभी चल रही है या तो वोलेटिलिटी मार्केट में है, वो मेरे फेवर में है कि नहीं है, वो मैं सीख लूं. अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है? ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि फॉर हेजिंग ट्रेडर्स दे टेक पोजिशन ऑलवेज वेन द मार्केट बिकम्स कॉस्टली. मतलब आईवी स्पाइक हो रहा है, मैं हेज कर रहा हूं, मैं मेरी पोजीशन हेज कर रहा हूं, राइट. मतलब मेरी पोजीशन में बचा रहा हूं, मैं नेट सेलर हूं, मैं अपने आप को बचा रहा हूं, ठीक है. तो जब वोलेटिलिटी स्पाइक होगी ना मार्केट में, तभी मैं लूंगा. क्यों? क्योंकि जब वोलेटिलिटी स्पाइक हो रही है तब मैं अपनी पोजीशन ले लू, चांसेस हाई है कि मुझे जो प्रीमियम मिलेगा वो हाईएस्ट मिलेगा, और हो सकता है थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी बढ़े, पर बहुत ज्यादा ना बढ़े, चांसेस नीचे आने के हो. तो अगर मैं हेज कर रहा हूं अपनी पोजीशन को, मैं अच्छा एक हेजिंग वाला सेलर हूं, तो मैं तो प्रीफर करूंगा ना कि जब आईवी स्पाइक होता है तब जाके मैं मेरी पोजीशन के बारे में कुछ सोचने लगूंगा. दिस इज द राइट टाइम
to get a big premium, right? This is the right time to be a net seller plus hedging. ठीक है, जो मैंने ऊपर से कहा उसका कंक्लूजन मार्जिन है. और फॉर हेजिंग ट्रेडर्स दे मे टेक अ ट्रेड इन सच अ वे दैट थेटा इज पॉजिटिव, वेगा इज नेगेटिव एंड डेल्टा इज न्यूट्रल. मैं अगर हेज कर रहा हूं, मैं ऐसा सेलर हूं कि मुझे हेजिंग पोजीशन पसंद है, हेजिंग मतलब सिंपली प्रोटेक्ट करना अपने आप को, ठीक है. तो मैं अगर ऐसा एक नेट सेलर हूं तो मुझे हमेशा थेटा पॉजिटिव चाहिए, ज्यादा चाहिए. थेटा पॉजिटिव मतलब कि जो, देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ तो अच्छी तरह से समझोगे आप. मैंने ये निफ्टी फ्यूचर का 1 आवर का चार्ट निकाला है. अब मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अभी है ना, वीकली बेसिस पे मैं कोई पोजीशन ले रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी ने ये रेंज बना ली, ये रेंज के बाहर अभी जाने वाला नहीं है पूरे एक वीक. तो मुझे ये, मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा थेटा चाहिए यहाँ पे, ताकि जैसे 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 दिन भर दिन दिन भर दिन दिन भर दिन निफ्टी ये रेंज में रहे, थेटा डीके की वजह से मुझे फायदा हो, राइट? उसको थेटा सेलर्स बोलते हैं. तो हमारे लिए थेटा पॉजिटिव होना चाहिए, जितना ज्यादा मिले इतना अच्छा है. तो जितना थेटा डीके होगा उतना मुझे फायदा होगा, जैसे जैसे दिन चले जाएंगे डीके बढ़ता जाएगा. तो थेटा पॉजिटिव चाहिए हमको, वेगा नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव मतलब वो हाई चाहिए वेगा अपने को. और डेल्टा न्यूट्रल, डेल्टा न्यूट्रल मतलब हम ऐसी पोजीशन बनाते हैं जहां पे मार्केट के फ्लक्चुएशन को हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा न्यूट्रल पोजीशंस बोलते हैं. ठीक है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था. पर डेल्टा न्यूट्रल मतलब क्या, कि आप जो स्ट्राइक प्राइस सेल कर रहे हो, आप जो पोजिशन बना रहे हो, वो यार हेज करके इस लेवल पे ला दो उस पोजिशन को कि मार्केट में मूवमेंट आती है तो आपकी पोजीशन को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो. इसको बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन. डेल्टा न्यूट्रल मतलब क्या, कि ऐसी पोजीशन जहां पे मार्केट में कुछ उथल पाथल हो रही है तो आप उस तरह से बैठे हुए हो कि आपकी पोजीशन में ज्यादा नुकसान नहीं होने, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, 19-20 का फर्क पड़ेगा, उसको बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल सेलर्स. तो मैंने पता है डेल्टा के बारे में बोला था कि 0.5 का डेल्टा होता है, 0.6 का डेल्टा होता है, 0.2 का डेल्टा होता है. तो जो लोग डेल्टा न्यूट्रल होते हैं ना सेलर, उसकी पूरी पोजीशन का डेल्टा निकालो ना, डेल्टा ऑप्स्ट्रा में जाके, मैंने पता है ना ऑप्स्ट्रा में पोजीशन मैंने आपको दिखाई थी याद थे, तो ऑलमोस्ट डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन होगी. इसका मतलब क्या हुआ, कोई बंदा आपको आके बोल रहा है कि अरे ब्रदर मेरी पोजीशन है ना डेल्टा न्यूट्रल है, तो आप उसका मीनिंग क्या निकालोगे, मतलब ये एक ऐसा सेलर है उसने अपनी पोजीशन इस तरह से मार्केट में कुछ बिठाई है कि मार्केट में कुछ मूवमेंट आती है बरोबर, तो उसको ज्यादा नहीं फर्क पड़ने वाला है. हाँ शायद हो सकता है उसको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़े, बट उसका इनिशियली ही ऐसा थॉट पॉइंट था कि मार्केट की जो छोटी मोटी मूवमेंट आती है उससे उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए. समझ लो कि निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ गया, 80 पॉइंट बढ़ गया, तो उसकी पोजीशन में 19-20 का फर्क आएगा, या तो वो फर्क आएगा तो एकाध एडजस्टमेंट करके वो फिर से प्रोटेक्ट सेफ जोन में चला जाएगा, उसको क्या बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल. अब कौन सी चीजें डेल्टा न्यूट्रल नहीं होती, मार्केट 80 पॉइंट बढ़ गया, आपकी पोजीशन भी फ्लक्चुएट होने लगी बहुत पावरफुल तरीके से, मतलब आपका जो डेल्टा है वो न्यूट्रल नहीं है, वो थोड़ा एग्रेसिव डेल्टा है आपकी पोजीशन का, मार्केट घूमे तो वो भी घूमने लगता है. ठीक है, सो जनरली क्या होना चाहिए कि आपकी हेजिंग वाली पोजीशन होनी चाहिए, जनरली डेल्टा न्यूट्रल होनी चाहिए और थेटा डीके से आप पैसा कमा रहे हो. ठीक है, लोग ज्यादातर लोग इस तरीके से पैसा कमाते हैं, वो नेट सेलर होते हैं, हेजिंग करते हैं, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं और थेटा डीके से पैसा खाते हैं. और उनके लिए बहुत जरूरी है कि जब वो पोजीशन ले तब आईवी हाई पे हो, आईवी हाई पे हो तो बड़ा प्रीमियम खा लिया आपने, मजा आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट भी अच्छे मिल गए अपने को, बड़ा प्रीमियम खा लिया, आईवी भी हाई है, थेटा डीके भी अच्छा खासा मिल गया, थेटा भी अच्छा खासा मिल गया, डेल्टा न्यूट्रल भी हो गया, बहुत मजा आ गया. ठीक है ना, तो इस तरीके से सोचा जाता है. और मैंने, आपने देखा लास्ट 5-10 मिनट में मैंने पूरा एज ए सेलर आपको समझाया, मैंने बायर का कंसेप्ट लिया ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस में पैसा बनाना हो तो ट्राई करो कि यू बिकम अ हेजिंग, आप ऐसे ऑप्शंस सेलर बनो कि जो हेज कर रहे हो. यूट्यूब पे आपको करोड़ों वीडियो मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे बाय करो, बट लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल हासिल करना हो तो यू हैव टू बिकम अ नेट सेलर
एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई हेजिंग क्या होता है, उसका भी मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा अगले वीडियो में, बट अंडरस्टैंड दिस। हाँ, कोई कोई जगह पे आप बाइंग कर सकते हो, बट एक्चुअली द रियलिटी इज कि एक्चुअली ऑप्शन मार्केट प्राइमरी सेलर्स के लिए ही है और बाइंग यूज होना चाहिए हेजिंग के लिए, राइट? अंडरस्टैंड, ये एक रियलिटी है। अब कोई कुछ भी बोले, दिस इज द रियलिटी, वो रियलिटी मैंने भी नहीं बनाई है, सर्च कर लो जितना सर्च करना होता। अंडरस्टैंड? सो अगेन सी, आप वीडियो पोस्ट करके ये नोटपैड का एक स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें बहुत बेसिक चीजें, बहुत बेसिक रूल्स मैंने बताए कि धीरे धीरे आपके दिमाग में चलेंगे ना ये सब रूल्स, तो आपको फायदा होने लगेगा। एटलीस्ट ऐसा तो होगा ही कि आप ट्रेड लेने से पहले सोचोगे कि यार ये आईवी एज ए बायर, ये तो एज ए सेलर मेरे फेवर में है कि नहीं, और उससे 50% ट्रेडिंग ऐसा ही आपका इंप्रूव हो जाएगा। अंडरस्टैंड? बहुत सिंपल तरीके से मैंने ट्राई की, देखो क्योंकि मुझे क्वेश्चंस आते हैं तब पता चलता है कि लोगों को कितना नॉलेज नहीं है। ओके, अब जाते जाते एक चीज बता देता हूं मैं आपको कि मुझे काफी सारे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, आप एक चैनल स्टार्ट करो, प्रीमियम चैनल, ताकि सब लोगों को फायदा हो। तो एक महीने के अंदर अंदर हम एक प्रीमियम चैनल स्टार्ट करेंगे टेलीग्राम, निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर, जिसकी कॉस्ट होगी 500 रुपीज ओनली पर मंथ। तो रात को 9-10 बजे मेरा एक अच्छा खासा वीडियो आएगा निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर से, बहुत अच्छी तरह से लेवल्स वगैरह मैं बताऊंगा, लाइव मार्केट में काफी सारा गाइडेंस आता रहेगा आपके ट्रेडिंग के लिए, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और वीकली बेसिस पे जब सैटरडे संडे होगा तब निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करूंगा, पैटर्न्स के बारे में बात करूंगा, माइंडसेट, साइकोलॉजी, कुछ कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं मेजर मेजर, उसके आंसर दूंगा। और जहां जहां पे एज अ बोनस मुझे कुछ कुछ स्टॉक का ब्रेकआउट अच्छा दिखता है प्राइस एक्शन में, सो दैट आई विल हेल्प यू, बट आफ्टर 1 मंथ, क्योंकि थोड़ा एक्चुअली मेरा ट्रेडिंग वगैरह ज्यादा होता है तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता ये सब चीजों में से, तो थोड़ा मेरा प्रोसेस स्मूथ आउट होने दो। अभी आपको क्या करना है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, लेट्स से आपको इंटरेस्ट लगा कि ओके, सो देन जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज विथ योर नेम एंड योर व्हाट्सएप नंबर, कि आप सेव कर लो, मैं सेव करवा लूंगा। जब भी ये लॉन्च होगा तो मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा और आपको व्हाट्सएप में एक रिमाइंडर भी करवाऊंगा कि प्लीज ज्वाइन इफ यू विश टू। ओके, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं इसमें आगे जाने वाला हूँ। सो आई होप यू आर एंजॉइंग इट, कीप योर क्वेश्चंस कमिंग और वी विल लर्न मोर प्रैक्टिकल थिंग्स एज वी गो अहेड इन दिस सीरीज। अभी कुछ और एपिसोड्स बाकी है मेजर मेजर इंपॉर्टेंट चीज सिखाने के, बाकी मैं प्रैक्टिकल भी सिखाऊंगा इस सीरीज में। So keep in touch. See you very soon. I wish you lots of love and happiness.